दूसरे दिन के अवसर पर मंच पर विराजमान आप सब लोगों को आप सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने वाले दीनदयाल शोध संस्थान के सम्मानीय सचिव महोदय जी श्री रामकृष्ण तिवारी जी भाई साहब, जन शिक्षण संस्थान के सम्मानीय निदेशक श्री प्रज्योत कुमार त्रिपाठी जी भाई साहब एवं उपस्थित सभी, हमसे बहुत पुराने हैं आप सब लोग, बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जो माननीय नाना जी के साथ उनका सीधा सान्निध्य उन सबको भी प्राप्त हुआ है, उन्होंने काम किया, वो सब हमारे लिए हर समय एक हमको भी वो लोग गुरु के जैसे ही होते हैं। हम अभी भी रोज कोई भी नई चीज मिलती है तो हम सीखते रहते हैं। हम कभी ऐसे लोगों को मार्गदर्शन दे नहीं सकते क्योंकि नाना जी के साथ हम सब लोग यही सीखे हैं, मिलजुल कर कैसे रहना, प्यार से कैसे रहना, मोहब्बत के साथ कैसे रहना। तो हम सब कार्यकर्ता एक ही है, नहीं तो व्यवस्थाओं के संदर्भ में क्या होता है, कभी कोई मंच पे बैठते हैं, कभी कोई मंच के सामने होते हैं, इतना ही फर्क होता है। कोई अपने दीनदयाल शोध संस्थान में बड़े छोटे का कुछ भी नहीं होता, हम सब लोग कार्यकर्ता है, इसलिए हमारे सम्मुख बैठे हुए चाहे संत कुमार जी भाई साहब हो और आप सब लोग हैं, आप सभी का भी मैं हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। अपने संस्थान में जब तक नाना जी भौतिक रूप में रहते थे तो लोग कहते थे दीनदयाल शोध संस्थान को कोई गड़बड़ नहीं होगा, सब काम अच्छा होगा, अच्छा हो रहा है, लोग ऐसा कहते थे। उसके बाद नाना जी के भौतिक रूप से जाने के बाद आप लोगों ने भी गोंडा में देखा होगा, जब तक नाना जी यहाँ पर थे काम का स्वभाव प्रभाव उसकी करने की तरीके अलग रहे थे, और नाना जी थोड़ा दूर चले गए तो काम क्या हुआ, धीरे धीरे जितना तेजी से होता था वो कम हो जाता है, वो होता ही है। आज हम लोग हैं, कल को आप लोग हैं, तो व्यक्ति व्यक्ति का फर्क पड़ता है काम में। इसीलिए माननीय नाना जी को हम सब लोग दिन भर रात भर याद करते रहेंगे, क्योंकि जो अन्नदाता होते हैं, हम लोग भगवान को सीधा दर्शन नहीं किए हैं क्या, किसी को अपन इतने पुण्यात्मा नहीं है कि सीधा भगवान अपने पास आ जाए और दर्शन दे दें, लेकिन नाना जी जैसे महापुरुषों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है और उनकी जीवन को भी देखा। उसी तरह मान्यवर नाना जी का भी जीवन क्यों इतना अच्छा रहा, वो भी तो गड़बड़ हो सकते थे, वो भी गलत रास्ते पे जा सकते थे। एक छोटा सा बच्चा था, उनकी माँ एकदम खत्म हो जाती है तो वो बच्चा क्यों सही रास्ते पे जाएंगे। इसीलिए मान्यवर नाना जी का जीवन इतना अच्छा रहा, कहीं कोई दाग नहीं है, जैसा उनके कपड़े होते थे सफेद वैसे ही उनका हृदय भी होता था। एक छोटी सी मैं बात नाना जी का बताना चाहूंगी, क्योंकि हम सब लोग नाना जी से ही प्रेरित है, नाना जी के ही अनुयायी है हम सब लोग। एक बार हृदय होती है ना अपना हार्ट, लोग कहते अरे बीपी हो गया, बीपी हो गया, आजकल बड़ा कॉमन हो गया है कि नहीं, गांव में भी लोग कहते अरे ब्लड प्रेशर, बीपी हो गया, बीपी क्या है इससे नहीं, बीपी हो गया। तो एक बहुत बड़े डॉक्टर सऊदी अरब से आए थे, अरब कंट्रीज से आए थे एक डॉक्टर, और नाना जी ने कहा, तब 90 वर्ष का आयु था नान जी का, तो नान जी ने बोला अरे भाई तुम दिल के डॉक्टर हो, थोड़ा मेरा दिल चेक करो बोले। तो उन्होंने स्टेथोस्कोप होता है ना वो जो आला कान में लगाते हैं, वो लगाकर उसने नाना जी के दिल पे लगाया उन्होंने, डॉक्टर साहब ने, मैं भी बैठी थी। और थोड़ी देर के बाद वो डॉक्टर साहब जोर जोर से हंसने लग गए, इतने जोर से हंसे, तो नाना जी कहते क्यों भाई मेरा दिल धड़क नहीं रहा क्या तुम जो इतना हंस रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं नाना जी, सबका दिल अपना दिल जो बजता है ना, दो साउंड आते हैं, दो आवाजें आती है उसमें, लब डब ऐसा बजता है, कभी आप सुनोगे स्टेथोस्कोप लगाकर अपना दिल बोलता कैसा, लब डब बोलता है। तो उन्होंने कहा नहीं नाना जी, आपका दिल बोल रहा है लव 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 लव, समझ गए। तो जिसके हृदय में कभी किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं होता, वही आदमी साफ सुथरा जीवन जीता है और उसको आप और हम में कोई भेदभाव नहीं रहता। ये नाना जी की सबसे बड़ी विशेषता थी। उस दिन से हमें लगता है नाना जी का इतना हृदय साफ क्यों रहा होगा, क्योंकि उनके साथी जो होते थे वो और महान लोग थे, पंडित दीनदयाल जी, है ना, नाम रोज सुनते हैं अपन लोग, यहाँ पे लगा भी होता है, हर समय हम लोग देखते हैं, नाना जी के दोस्त थे वो।
पर उन्होंने इतना कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे, बहुत उनको सब चीजें जानकारी थी। वे बचपन में वो भी गरीब थे, कोई ये नहीं सोचने अपने को कि नाना जी का आदर्श कोई बहुत बड़े बड़े अमीर आदमी रहे, ये मत सोचिए। नाना जी के आदर्श वही लोग रहे हैं जिन्होंने गरीबों के लिए चिंता किया, जिन्होंने खाने पीने का नहीं है उनकी चिंता जो किया, वो नाना जी कहते थे ये हमारा आदर्श है। समझ गए, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे लोहिया जी हो, चाहे अपने जयप्रकाश नारायण जी हो, ठीक है। तो उसी प्रकार पंडित दीनदयाल जी को नाना जी दोनों दोस्त थे बचपन में, लेकिन अचानक दीनदयाल जी का कोई ट्रेन में वो सफर कर रहे होते, किसी ने उनको हत्या कर दिया। तब नाना जी ने कहा कि जो दीनदयाल जी ने एक लिखा था एकात्म मानव दर्शन, बाद में ही समझ में आ गया एक आत्मा मानव का दर्शन है। मानव क्या है? मानव मानव है, हम भी वही है, आप भी वही है, आप भी वही है, रामकृष्ण जी भी वही है, मनीष जी भी वही है, सब अपन लोग एक है। लेकिन ये भेदभाव क्यों उत्पन्न हुआ था अपने देश में? पहले अपने भारत देश में सब लोग मिलके रहते थे, ऋषियां होते थे, मुनि होते थे, बड़े बड़े लोग होते थे, सब अपन मिलके रहते थे। लेकिन इतना आक्रमण अपने देश पे हुआ दूसरे दूसरे लोगों का, तो हम लोग अपने देश की सब भविष्य भूल गए थे। फिर अपने को देश आजाद हुआ, ये पता है ना, 15 अगस्त को अपना देश आजाद हुआ। आजादी मिलने के बाद लोगों ने क्या सोचा? अपना देश बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा सोचा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तब दीनदयाल जी का, तब कुछ कुछ लोग कहते थे भाई देश को इस तरफ ले जाओ, देख बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं। नाना जी के क्यों दीनदयाल जी से दोस्ती थी? नाना जी के भी विचार वही थे, दीनदयाल जी के भी विचार वही है। नाना जी भी बचपन में गरीबी देखा, दीनदयाल जी भी बचपन में गरीबी देखा, लेकिन जो व्यक्ति बचपन में अक्सर जो गरीबी देखता है वो चिंता क्या करता है, मैं कब बड़ा अमीर आदमी बनूं, होता है कि नहीं बताइए? कभी एक गरीब बच्चा स्कूल जा रहा होता है, मैं कभी पूछती हूँ बच्चे तुम्हें बनना क्या है, तो सीधा कहता है मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। ख्वाबे रखना बुरा नहीं, लेकिन ये दो महान व्यक्ति ऐसे थे, ये चाहे तो ये कुछ भी बन सकते थे, लेकिन दोनों अपने लिए नहीं जिया। आपको पता है नाना जी ने अपना जीवन संकल्प क्या रखा? वो भी दीनदयाल जी से ही प्रेरित होकर रखा। उन्होंने कहा, नाना जी ने, मैं, सब लोग दोहराएंगे एक बार, नाना जी का जीवन संकल्प है मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए हूँ, अपने वे हैं जो पीड़ित एवं उपेक्षित है, है ना। इतना अच्छा संकल्प नाना जी ने मात्र दीनदयाल जी के चलते रखा। तो दीनदयाल जी एकात्म मानव दर्शन में कोई बहुत बड़ी बातें नहीं कहा। पता है आपको, जब वो छोटा बच्चा थे, वो अपनी भाभी के गोदी में लेटे हुए थे। छोटे बच्चे लेटते ना भाभी माँ के गोद में, माँ तो उनकी भी खत्म हो गई थी, तो भाभी के गोदी में लेटे थे। अचानक उनके घर में 7 डाकू घुस के आ गए। छोटा सा बच्चा था, गोदी में लेटा था, और वो डाकू लोग पूरे घर के लोगों को मार रहे थे, तहस नहस कर रहे थे घर में। तब दीनदयाल जी, इतना छोटा बच्चा गोदी में से बोलता है, ए भैया, हम तो सुनते थे डाकू लोग अमीरों को लूटते हैं, गरीबों को छोड़ देते हैं, तुम इन गरीब घर में क्या कर रहे हो, हम लोगों को लूटने तुम क्यों आए? तो इसका मतलब है, जैसे अपने माली बाबा लोग यहाँ पर समझो मोगरे का फूल डालते ना, पौधा किया, तो वो फूल पहले से ही बताता है कि मैं मोगरा हूँ, मैं जास्मिन हूँ, मैं गेंदा हूँ, है कि नहीं? पहले से ही उसकी खुशबू से समझ में आता है कि ये कौन सा फूल है। तो ऐसे ही दीनदयाल जी का बचपन था कि उनकी गोदी में ही वो जान गए लोग ये गरीबों का मतलब सेवा करने वाला है, गरीबों का चिंता करने वाला है। तो उस तरह चुटपन से ही उनका जीवन रहा कि हम कितना ज़्यादा भारत माता की सेवा कर सके। आज बच्चे क्या करते, थोड़ा हम लोग क्या 4-5 हज़ार रुपये कमाने लग गए, हम अपने माता पिता को कहते हैं बूढ़े हो गए हो, तुम एक कोने में बैठ जाओ। लेकिन दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन में ये कहीं नहीं लिखा है। उन्होंने कहा सबकी सेवा अपने को करना है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे कुछ भी हो। जैसे अपने यहाँ पर देखते अपन समझो, एकात्म मानव माने कुछ भी नहीं है, एक प्रेम है, एक प्रेम का संदेश है उन्होंने दिया, ठीक है।
तो प्रेम का संदेश दीनदयाल शोध संस्थान में नहीं होगा तो क्या कुछ हो सकता है? अपन कोई अमीर है क्या? अपन लोग कोई भी आपस में अपन सब लोग कौन सा बंधन से जुड़े हैं? कौन सा बंधन है? मैं कोई आपके बहन नहीं हूँ समझो, मैं कोई आपकी बहू नहीं हूँ, लेकिन एक बंधन है। वो क्या बंधन है? पारिवारिक बंधन। तो परिवार क्या होता है? जैसे एक गाड़ी अभी ड्राइविंग करते हैं अपने मनोज जी समझो, या कोई भी, गाड़ी के कितने पहिए होते हैं? चार पहिए होते ना। वो चारों पहिया में एक भी पाँव अच्छा, पहिया अच्छा नहीं चला तो क्या गाड़ी चलेगा? बस यही है एकात्म मानव दर्शन। तो अपना जो दिखता है ना शरीर, जो दिखा उसको उन्होंने कहा शरीर है, ठीक है। और अंदर अपना मन कह रहा है कि समझो दीदी क्या बता रही है, आप तो शारीरिक रूप से यहाँ बैठे हो, मेरे को दिख रहा है कि सब मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन मन कह रहा है हाय राम ठंडी बहुत लग रही है, पता नहीं दीदी क्यों भाषण कर रही है, रामकृष्ण जी को क्या अभी ही अभ्यास वर्ग रखना क्या? कुछ लोगों का मन ऐसा कह रहा होगा, कुछ का मन क्या कह रहा होगा, वाह कितना अच्छा अभ्यास वर्ग चल रहा है, कल से चल रहा है, हम लोगों के लिए फूल मालाएं सब लगाया गया, हम लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था किया गया, हमारे लिए कारपेट बिछाया गया, हमारे लिए कैमरा लगाया गया, हमारा फोटो खींचा जा रहा है, मन एक वो कह रहा होगा। मन किसी को दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो एक हो गया जो दिख रहा है शरीर, और एक हो गया मन। मन हर समय चंचल रहता है, मन को कभी भी अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती, वो हर समय सुख चाहता है, हमें सुख मिल जाए, हमें टॉफी मिल जाए, हमें चॉकलेट मिल जाए, हमें साड़ी मिल जाए, हमें सब मिल जाए। लेकिन उसी में उन्होंने कहा एक बुद्धि होती है। बुद्धि क्या कह रही है अभी? नहीं नहीं, अभ्यास वर्ग में आए हैं हम लोगों को कमर सीधा करके ही बैठना है, पान तंबाकू गुटखा इस पे नहीं खाना है। हम जब आएंगे अच्छे वेश पे आएंगे, हमारे कपड़ों से महक नहीं आना चाहिए, हमको सब लोग अच्छा कहे, ऐसा बुद्धि कह रहा होता है, समझ गए। तो एक जो दिख रहा है वो शरीर, एक मन चंचल हो गया, एक बुद्धि है ना। और परम वैभव के तरफ ले जाता है, अच्छी तरफ ले जाने वाला, उसको कहते हैं विवेक। विवेक क्या है? अच्छा बुरा की वो पहचान करता है। विवेक ना हो तो अपन मन की बातों पे आकर अभी खड़े होके अपन गुस्सा हो जाएंगे, अभी खड़े होके अपन खुशी बताएंगे, लेकिन विवेक कहता है ये अच्छा है ये बुरा है, ये आलू सड़ा हुआ है तो ये नहीं खरीदना है, भले सस्ता दे रहा है, ठीक है। मन एक बार कहता है चलो थोड़ा सारा खराब तो है, अभ्यास वर्ग में सब्जी बन जाएगा, खरीदने जो कोई गया समझो, तुरंत विवेक कहता है नहीं, वो सब हमारे साथी है, उनको अच्छे आलू की सब्जी खिलाना है। विवेक, समझ गए। विवेक यानी परख करना अच्छा बुरा की। वही दीनदयाल जी ने बोला है, बोले हैं शरीर होता है एक, एक मन होता है चंचल, एक बुद्धि होती है, एक विवेक होता है। वो विवेक सिर्फ अपने अंदर होता है, आदमियों में होता है, मानव के अंदर है, पशु के अंदर विवेक नहीं है। इसीलिए क्या करता है पशु, उसको भूख लगती है तो बंदर आके अपने सामने खौं 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 करता है, कुत्ता भी भाव 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 करता है, उनके अंदर विवेक नहीं। अपने को विवेक है, आपको भूख भी लग रही होगी, प्यास भी लग रही होगी, लेकिन यहाँ बैठे हैं तो हम लोग नहीं बोलेंगे, समय देखेंगे, 11 बजे ही मिलना है चाय तो 11 बजे चाय मिलेगा, समझ गए आप लोग। एकात्म मानव दर्शन यानी उन्होंने कहा सब चीजों में संतुलन होना चाहिए, संतुलन के बगैर कुछ भी होगा तो वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, चार चीजें उन्होंने क्या कहा, शरीर मन बुद्धि और आत्मा का, ये चार चीज पहले हो गया ना अपना, शरीर मन बुद्धि और आत्मा का हो गया, तो विवेक की बात आ गई उसमें। आत्मा तब संतृप्त होता है, कई बार अपन भूखे भी होते हैं ना, भूखे होने के बाद भी कोई अच्छा आदमी को देखा, जैसे भगवान का दर्शन कर लिया तो आत्मा संतृप्त हो गए, कहते हैं कि नहीं आप लोग, कहते हैं ना। तो शरीर की संतुष्टि के लिए अच्छा पहनावा, अच्छा ओढ़ावा, अच्छा भोजन चाहिए, मन की संतुष्टि के लिए कुछ भजन पाठ वगैरह सब चीज चाहिए, और बुद्धि के विकास के लिए अभ्यास वर्ग जैसी चीजें चाहिए, कुछ पठन पाठन पढ़ने के लिए कुछ चीजें चाहिए, या आपको अच्छे अच्छे बीज लाके दे दिया भैया अच्छा इसकी खेती करो, तो आपकी बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाता है। आत्मा की संतृप्ति के लिए क्या चाहिए अपने को, एक अलग प्रकार की खुशी चाहिए,
जो अपने को बड़े लोगों से मिलता है, जो लालच के लिए इससे नहीं मिलता, तो शरीर मन बुद्धि और आत्मा का जिस तरह है, उसी में उन्होंने कहा भैया एक और चार चीज भी है, पता है क्या है? वो धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष। सुने आप लोगों ने, चार चीज अपने घरों में बात करते रहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष बोल देते। तो अपन सोचते धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, ये सब कुछ भी नहीं है। एकात्म मानव दर्शन में उन्होंने अपने को कहा भैया धर्म मानिए, यदि मैं अच्छा वाहन चालक हूँ तो मुझे बहुत अच्छा ड्राइविंग करना है, गाड़ी को सुरक्षित रखते हुए, गाड़ी में बैठे हुए लोगों को अच्छा रखते हुए, गाड़ी की खराबी ना हो, डीजल कम लगे, व्यय कम आ जाए, ये जो करते हैं अपना कर्तव्य, उसी को उन्होंने धर्म कहा। अपन गलत दिशा में जाकर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, धर्म याने अरे ये मजहब हो, ये नहीं। धर्म माने उन्होंने कहा पंडित दीनदयाल जी ने कि भाई आप लोग सब अपना अपना काम करते जाओ, काम नहीं करेंगे तो दीनदयाल सोशल सारी रोटी नहीं चलेगा, चलता है क्या? तो धर्म का अर्थ है हमको जो जिम्मेवारी मिला वो सबसे अच्छा निभाना, ठीक है ना। अब ऐसे ही अपने को जैसे माली बाबा लोगों का काम है, समझो कि आप लोगों को हम लोग ने किसी ने भी बोला कि फलाने जगह पर केले का बहुत अच्छा खेती होती है, तो अपना धर्म तुरंत बनना चाहिए। ऐसे कैसे उनका तारीफ हुआ, तारीफ तो हमारी होनी चाहिए, हमारे यहाँ सबसे अच्छा केला पैदा करना है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी लौकी, जो लौकी आप लोगों ने बड़े लंबे वाले पैदा किए था, देश में विषय बना हुआ है। तो धर्म हो गया, अर्थ मतलब पैसा कमाना। दीनदयाल जी ने कहा है कि भाई पैसा इकट्ठा करा खूब सारा, मैं खूब धनवान हूँ तो दूसरों को क्या फायदा? तो बोले शरीर में जिस प्रकार अपना रक्त बहता है ना, प्रवाहित होता रहता है, उन्होंने कहा एक ही जगह यदि रक्त इकट्ठा हो गया तो पूरा शरीर तो बेकार हो जाएगा। समझ गए क्या बोल रहे हम? रक्त जैसे अपना प्रवाहित हो रहा है ना, अभी मेरे हाथ में खूब सारा रक्त आ गया, दिल में गया नहीं, दिमाग में गया नहीं, तो वो रक्त का, वो ब्लड का कोई काम है ही नहीं। तो उन्होंने कहा भैया अर्थ जो होती है पैसा बराबरी में हो, सबको मिले, सब सुकून का जीवन जिए। तो इस तरह दीनदयाल जी का कहना यही है कि हम सब लोग, जो मैं पहले आपको बताई थी, नाना जी ने इसीलिए एकात्म मानव दर्शन को अपना आधार माना, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन आपस में हम लोग क्या सोचते हैं, अरे एकात्म मानव दर्शन पता नहीं दीनदयाल जी ने क्या लिखा, नाना जी ने क्यों ले लिया, कभी आप विचार करते हो क्या? काम करते रहते, यहाँ 8 घंटा आप लोग आते हैं, क्या सोचते हो आप लोग, कोई एक बता सकते हैं? जैसे एकात्म मानव दर्शन नाना जी का, अब क्या दिमाग में आता है आपके, किसी के भी कुछ भी आता है क्या? क्यों पूछ रही हो, नहीं तो ये विषय नहीं समझ में आएगा। क्या आता है आप लोग के, आप क्या सोचते हो भाभी बताओ, कभी आए आप काम में तो आप क्या सोचते हो? काम के बारे में सोचते हैं। क्या सोचते हैं काम के बारे में? कि हम आए हैं हाँ। तो हमको काम करना है, ये हमें जो निभाना है, ये काम करना है, ये करना है, इतना जिम्मेदारी है, कोनो चीज हमारे यहाँ से गायब ना हो, कोनो चीज उठा ना जाए। ये जो अपनापन की बात होती है, इसी तरह जैसे अभी अपना बोले ना, अपने मेरा सामान कोई उठा कर ले जाए, ऐसे अपना एकात्म मानव दर्शन में उन्होंने बोला है प्रकृति के साथ भी ऐसा ही है। भगवान भी सोचते हैं मेरा पेड़ कोई ना काटे, भगवान भी सोचते हैं मेरा जल का उपयोग जितना लोग कर रहे हैं कम से कम उतना जल का संचय करें, ठीक है ना। समझ रहे, जितना वो बताई है भाभी ने, बोलती है हम सोचते हैं हम जहाँ काम कर रहे हैं हम जिम्मेवारी से करें, हमारे सामान कोई चोरी न करे। जब अपना सामान कोई चोरी न करे ये चिंता है, तो भगवान को भी तो चिंता होगी, उन्होंने इतनी रचना किया पूरा दुनिया में, अपने को दिया है जल, जंगल, जमीन, जानवर, जलवायु, इतना दिया है कि नहीं बताइए, है ना। अभी ठंडी है तो अपन कुड़कुड़ा जाते हैं, गर्मी आती है तो परेशान हो जाते हैं, बारिश होती है तो परेशान हो जाते हैं, और कहीं पे भीड़, जैसे नाना जी ने जहाँ काम चालू किया महाराष्ट्र में, पानी का संकट है तो वहाँ लोग परेशान होते हैं। तो हम सब कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक और चीज बताया, अपन पेड़ का फूल भी तोड़ते हैं ना पूजा के लिए, उनसे निवेदन करना चाहिए, प्यार से तोड़ना चाहिए, लेकिन हम सोचते हैं अरे हम ही ने तो पैदा किया है तो
कपूर पट्ट से तोड़ा लेके गए, शिव जी को चढ़ा दिया और जल बिल्कुल जितना चाहिए उतना अपन ने डाल दिया। तो उसमें उन्होंने कहा, खासकर अपन सब लोगों की जिम्मेवारी है, यदि हम लोग जितना पानी यूज करते हैं, जितना उपयोग करते हैं, हम उस पानी को कैसे और बचाया भी जा सकता है, इस पे चिंतन नहीं होगा तो बड़े लोगों का तो ये बातें बताएंगे तो वो कहेंगे हमको क्या, हम तो बिस्लरी खरीद के पी लेंगे। लेकिन वो बिस्लरी पानी भी तो कहाँ से आएगा, मिनरल वाटर भी तो धरती से आता है ना। तो अपना काम जब भी अपन लोग करेंगे, जब आप लोग मिट्टी को खोदते हो ना, तो आपके मन में आ जाना चाहिए, ये एकात्म मानव दर्शन में बताया कि बाप रे, ये मिट्टी हम खोद रहे हैं, इसके अंदर कितने जीव जंतु होंगे जो हमारे द्वारा खत्म हो रहे, हो रहे कि नहीं। इसीलिए फिर अपन ने तुरंत गोबर का खाद बना दिया, समझो गोबर का खाद अपन ने मिट्टी में डाल दिया। जितना आपने मिट्टी खोदने में जो आपका पाप लगा है, वो पाप इससे खत्म हो जाएगा। पाप पुण्य होता है कि नहीं, गलत काम करा तो मान लीजिए पाप लगना ही लगना है, और अच्छा काम किया तो पुण्य तो मिलना ही मिलना है, चाहे वो आज मिले चाहे कल मिले। पुण्य का अर्थ है आशीर्वाद, है ना। अब गोबर की खाद आप लोगों ने अच्छे से बना दी। एक यहाँ पे भाभी काम करती है, आई बोला रे दीदी ठंडी में सुबह सुबह में 6 बजे जो है गोबर पातना पड़ता है, कंडा पातना पड़ता है। तभी हम महिलाओं के ऊपर एक लेख लिख रहे थे, तो हमारे दिमाग में आया सही बात है, हम तो सुबह सुबह गरम गरम चाय लेके आपके पास बैठते हैं, ये तो बिचारी गोबर में हाथ डाल के पाकती है, तो क्या हो सकता है। तो अपने को रोज ऐसे ही सोचना है, किसी को कोई समस्या है तो समाधान क्या हो सकता है सस्ते में और अच्छे से। हमने सोचा इनको प्लास्टिक का ग्लव्स ला के देते हैं, वो पहनेंगे और गोबर पातेंगे तो उनको ठंड नहीं लगेगा। फिर लखनऊ में हमने खोजा, मिल गया, लेके आ गए, लेकिन दुकानदार धोखेबाज निकल गया, वो जैसे ही पहनी वो फट गया। हम तो अच्छा सोचे, लेकिन वो ग्लव्स पुराना होने के कारण वो फट गया। फट गया तो मैंने दादा को बताया, प्रधान सचिव जी को, तो फट गया, इतना महंगा ले आए, दुकानदार धोखा दे दिया। इसीलिए अपन जो भी काम करें उसमें धोखा नहीं करना, उससे पता नहीं किसका नुकसान होने वाला है। हम तो पैसा लगा कर ले आया ग्लव्स, लेकिन उस महिला को समय पे काम नहीं आया। इसीलिए काम में धोखा नहीं करना है, यही एक आत्मता है। अपने को हर बार ये सोचना है, हम जो भी काम कर रहे हैं पता नहीं किसको नुकसान हो रहा है किसको फायदा मिल रहा है, सोचते रहना है। और वो फिर वो बोले, अरे दीदी ये तो फट गया। मैंने कहा फट गया, फिर हम दूसरा ले आया। तो क्या होता है, आप लोग भी आपस में जैसे अभी पेड़ एक तोड़ दे, काट दिया, तुरंत अपने अंदर को लगना चाहिए मैंने इतना बड़ा पेड़ काटा है, ये अभी तक हमको श्वास चलने के लिए पेड़ बहुत जरूरी है, पेड़ सब कट जाए ना अपनी सांसें नहीं चलेगी, अपन मर जाएंगे। पता है कि ना आप लोगों को ये चीज, हवा से जो अपन बाहर रहते हैं ना पेड़ के पास, हम लोग एक गर्म सांस छोड़ते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, गर्म गर्म हवा छोड़ते, वो जो सांसें है बेचारे गंदगी जितनी है पेड़े लेता है, वो फिर अपने को ठंडी हवा देकर ऑक्सीजन बोलते हैं, जो अपने को जीवन जीने के लिए एक वायु प्रदान करता है। ये है परस्पर पूरकता। उन्होंने जो कहा, हम आप पे निर्भर है, और आप अभी जैसे हमारा चेतन हम लोग को कल रात को लेकर आ रहा था, इतना कोहरा था, इतना कोहरा था, हमें पता है कि उसको नींद आ रही होगी, 2 बज गया रात के। वो कहता है, दादा बार बार उसको कहते हैं, हम लोग ये सोचा रहे चेतन का काम है, चेतन ड्राइव करेगा, हम लोग ठाट से बैठेंगे, तो नहीं चलता, चेतन का देखभाल अपने को करना है। चेतन को बोलते हम लोग, चेतन रुक जाओ पानी पी लो, चेतन रुको मुंह धो लो, चेतन रुको चाय पी लो, समझ गए। एकात्म मानव दर्शन यानी कुछ और दर्शन नहीं है, जीवन जीने का दर्शन है, सुख दुख में अपने को भागीदारी बनना। कोई दुखी है मैं वहां जाके हंसूं, ये कोई मानवता की बात है क्या? नहीं। कोई सुखी है वहां जाकर मैं अपना दुखड़ा रोऊं, हाय दैया मेरे पास खाने को नहीं, हाय मेरे पास पहनने को नहीं, ये मानवीयता है क्या? नहीं है ना। तो एकात्म मतलब जो आपको जो पसंद आ रहा है, भले मुझे पसंद नहीं आ रहा, हम लोगों को उसमें जुट जाना है, इसी को परस्पर पूरकता कहते हैं, मतलब पूरक होके काम करना। जैसे अभी पांडे जी भोजन बनाते हैं समझो, तो हम बोलेंगे मिर्च डालना तेज, ये करो वो करो, पता चला मिर्च रामकृष्ण जी को पसंद नहीं। अब रोज मिर्च का भोजन बने और रामकृष्ण जी को मिर्च पसंद ही नहीं, हमने ध्यान ही नहीं दिया, मैं अपने स्वार्थ के लिए जिया, रोज मिर्च डालो, तीखा बनाओ, सब्जी बनाओ,
तो क्या होगा, ये एकात्म मानव दर्शन नहीं है। तो कभी अपन लोग आपस में, आप लोग माली बाबा लोग बैठते, ड्राइवर्स बैठते, अधिकारी बैठते, कार्यकर्ता बैठते हैं, तो अपने को बातचीत करना है, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नहीं पसंद है, अनजाने में ही अपने को सब चीजें पता कर लेना है, फिर व्यवहार करना है, तब कोई संस्था चलती है, तब परिवार चलता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया, उसके लिए कुछ सेव फल वगैरह आ गया, और अपन क्या सोचते हैं, हमें सेव खाने का मन है तो अपन खाते हैं क्या? कहते नहीं, वो बीमार व्यक्ति है, उसको अपन सबसे पहले देंगे। ये सब ना समझदारी, जैसे एक पत्नी एक माँ घर में करती है, वही एकात्म मानव दर्शन है। एकात्म माने ये नहीं है कि कोई अलग से कोई चीज अपने ऊपर थोपा गया हो। तो आप लोग जितना भी दीनदयाल शोध संस्थान में है, कि नाना जी का जो भी अनुकरण हम लोग करते हैं, तो नाना जी ने दीनदयाल जी को माना, क्योंकि दीनदयाल जी का एक कथा सुनाती हूँ मैं आपको, छोटी सी कहानी है। दीनदयाल जी की हत्या हो गई थी, है ना, मुगलसराय स्टेशन के पास किसी ने आके अचानक उनकी हत्या कर लिया, और वो बेचारे, उनको बताइए कितने बड़े व्यक्तित्व थे, उनकी ही हत्या हो गई, निर्मम हत्या जिसको कहते हैं, पता ही नहीं चला। और वहाँ पे एक छोटा सा कार्यकर्ता संघ के थे, वहाँ लोग बोल रहे थे प्लेटफॉर्म पे, ये व्यक्ति कौन पड़ा है स्टेशन पे, तो बोला अरे ये तो दीनदयाल जी है, ऐसे पड़े हुए हैं, कोई पहचाना ही नहीं उनको। फिर सब लोगों को पता चला दीनदयाल जी की हत्या हो गई, पहुँच गए, सब हो गया कर्म कांड, सब कुछ जो भी होता है अपने संस्कृति में। उसके बाद एक विदेशी पत्रकार उनके बारे में पूछने गए थे, उनके घर देखने गए दीनदयाल जी के। तो विदेशी पत्रकार पूछे कि भैया दीनदयाल जी तो आपके ये हो गए हैं, इनका घर दिखाइए, इनका कमरा दिखाइए। बोले उनका तो कोई कमरा ही नहीं है। बोले क्या? बोले हाँ, उनका कोई कमरा नहीं। तब विदेशी पत्रकार ने बोला चलो उनकी कोई अलमारा तो होगा जिसमें वो सामान वामान रखते होंगे, अलमारा दिखा दो, अलमारी दिखा दो। तो वो बोले नहीं, उनका तो कोई अलमारी नहीं है। बोले ऐसे कैसे बड़ा आदमी हो सकता है जिसका कमरा नहीं, जिसका अलमारी ही नहीं है खुद की कोई, तुरंत मरने के थे, मतलब उनकी उसके बाद मृत्यु के बाद। फिर पूछा कि चलो भाई वो पुस्तकें तो पढ़ते थे, तो पुस्तकें जहाँ रखते हैं वो रैक दिखा दो, वो अलमारी दिखा दो। बोले नहीं, वो पुस्तकें तो पढ़ते थे, पढ़ने के बाद वो बिस्तर के नीचे रखते थे या बिस्तर के बगल में रखते थे, पुस्तकें रखने के लिए भी उनके पास एक अलमारा नहीं थी। बोले फिर उनको गुस्सा आने लगा विदेशी पत्रकार, सोचा ये कैसा आदमी हो सकता है। बोले ठीक है, मुझे कोई ये नहीं, वो रुका नहीं प्रश्न और पूछता है, मुझे उनकी पुस्तकें दिखा दो जो वो पढ़ते थे। उन्होंने कहा हम उनकी पुस्तकें क्या दिखाए, वो कभी अपना पुस्तक खरीद के नहीं पढ़े, जहाँ पर जो भी पुस्तकें मिलती थी मांग के लाते थे, वो अपनी पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करके फिर वो पुस्तकें भी वापस करते थे। तब उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्तित्व जिसका कुछ भी नहीं, ना कमरा ना अलमरा ना पुस्तकें, कपड़े मात्र दो धोती हुआ करते थे, दो कुर्ता, आप लोगों को सपने सुन रखा होगा, वो धोती भी जब फट जाती थी वो सिल के पहनते थे। तो इसीलिए ये बता रहे हैं ऐसा व्यक्तित्व अपना उदाहरण होना चाहिए। और आज की चकाचौंध की, और जब उनकी मृत्यु हुई थी वो जो कोट पहने थे, घड़ी पहने थे, वो भी उनके नहीं थे, वो दोस्तों का ही पहनते थे। आजकल हम लोग जिनको आदर्श बनाते हैं, तो हमारे बच्चे खासकर या तो अमिताभ बच्चन को बना लेते हैं या बड़े बड़े लोगों को बना लेते हैं, उससे अपने बच्चे भी परेशान रहते हैं, परिवार वाले भी परेशान रहते हैं। उतना अमीरी तो अपन छू नहीं पाएंगे, लेकिन दीनदयाल जी की ये सादगी हम सब लोग छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो अपना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दीनदयाल जी किसी को धोखा नहीं देते थे, वो जो बचपन में किया है वही उन्होंने एकात्म मानव दर्शन में लिखा। बताइए अपन आजकल कहीं जाते हैं, मैंने बिल्कुल सच कहानी है, हमारे यहाँ बैंक में एक व्यक्ति का पैसा आया था, आया तो उसका पैसा नहीं था, 50-60 हजार रुपए अतिरिक्त उसके बैंक में मैनेजर की गलती से ट्रांसफर हुआ, और वो व्यक्ति वो 60 हजार रुपए रख लेता है, उसने वापस नहीं किया, और उसके कारण कितने परिवार के लोग, वो मैनेजर की नौकरी गई, कितने लोग गड़बड़ हो गया। लेकिन दीनदयाल शोध संस्थान के कार्यकर्ता ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि अपना कई बार अपने रूम्स में कोई गेस्ट हाउस में रुक गए, उसका पर्स छूट गया, तो अपने बच्चे ढूंढ के उनको पहुंचा के आते,
कहीं चलते चलते मोबाइल गिर जाता है तो आप लोग सबसे पहले ले जाकर दिखाते हुए मोबाइल किसका गिरा, अपना मोबाइल लो। मजाक के लिए थोड़ी देर रखना अलग विषय है, उनको परेशान करना, लेकिन अपना विवेक कहता है नहीं, जिसका है उसका वापस करो, नहीं तो अपना गड़बड़ होगा, अपने को पाप पड़ेगा बोलते हैं। तो दीनदयाल जी और नाना जी भी एक बार जा रहे थे तो सब्जी खरीदा उन्होंने। सब्जी बेचने वाली दाई लोग कितनी बुजुर्ग होती है ना, वो सब्जी बेच रही थी, इन्होंने अंधेरे में पैसा दिया और चले आए। आने के बाद देखा कि दीनदयाल जी की जेब में कोटा सिक्का तो उनके जेब में से उनके पास पहुंच गया, वो जो सब्जी बेच रही थी। फिर इनको लगा कि अरे राम, मैंने तो गलत पैसा दे दिया, वो बेचारी दाई का क्या होगा। अब इतना अंदर तड़प होना गलत काम करने का, आजकल क्या होता है हम गलत काम करने के बाद सोचते हैं अरे भगवान कौन सा देख रहे हैं। वैसे तो अपन भगवान के पास जाके हाथ जोड़ के कहते अरे भगवान हम तो जल्दी से अच्छा दे दो, अच्छा दे दो, तब अपने को अच्छी चीज के लिए भगवान याद आ जाता है। जब हम बुरा किए तब सोचते अरे भगवान नहीं देख रहा होगा। लेकिन दीनदयाल जी को इतना खराब लगा, इतना खराब लगा, मेरा गलत पैसा उनके पास चला गया, वो दाई का क्या होगा। वापस जाते हैं, ढूंढ के जाते हैं और उसका पैसा लौटाते। यही दीनदयाल शोध संस्थान को आज सख्त जरूरत है। हम लोग दूसरों का कभी दुख ना दे, दूसरों को दुख देंगे तो ना नाना जी खुश होंगे, ना अपना दीनदयाल जी खुश होंगे, और जिन्होंने अपने को जन्म दिया अपने माता पिता वो भी खुश नहीं होंगे। माता पिता भी उसी में खुश रहते हैं जब बच्चा अच्छा काम करे, अच्छा नाम कमाए, अच्छा उसका जगह जगह पर जैसे कार होती हो तो माता पिता सोचते हैं मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरे बहू सही संस्थान में काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं कोई गलत आरोप अपने ऊपर लग जाए, देखिए आरोपों का डरना नहीं, आरोप तो लगाएंगे लोग, लेकिन अपनी मन जो है ना पक्का होना चाहिए कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम पेड़ को पानी देते हैं तभी हम एक पत्ता फूल तोड़ते, एक फ्रूट तोड़ते, फल लगा तुरंत अनार के ऊपर तो दिल गया अपना, अनार तोड़ना है, लेकिन अनार के पेड़ के लिए आपने कभी मेहनत किया क्या, एक बीज इकट्ठा किया है क्या, एक बीज आपने डाला है क्या संस्थान में, तब आप ले सकते हो। जितना लेना है समाज से उतना दीनदयाल शोध संस्थान को देना है। जितना हम लोग मेहनत करेंगे उतने का हम लोगों को खाना है, मेहनत से ज़्यादा नहीं मिलेगा अपने को। और इसीलिए आप सब सहयोगी कार्यकर्ता और कार्यकर्ता सभी है, और सहयोग का अर्थ वही है कि परस्पर पूरक बनकर हम लोग दीनदयाल जी का जितनी अपने को जितना मतलब कुछ भी नहीं, इतना आसानी से सोच लेना है, अपनी आंख को खल गया कोई चीज कि कुत्ता रो रहा है लेकिन हम अपने धुन में चले जा रहे, ये नहीं है एकात्म मानव दर्शन। वो कुत्ता, एक बार मैं एक बहुत छोटी उदाहरण बताकर अपनी बात को समाप्त करती हूँ, क्योंकि आप लोग भी गौशाला में काम करते हैं, आप लोग भी अपना सभी विभागों में काम करते हैं, कोई दवाई बनाते हैं, दवाई बनाते समय हम लोग कितने ऐसे लोग हैं गोली बनाते बनाते कुछ भगवान का स्मरण करें, या कोई ऐसा जो दुखी आत्मा है उसको मेरी दवाई अच्छा पहुंच जाए। जिस दिन आप ये भावना से गोली बनाना शुरू करेंगे आपका गोली असरकार होगा। सिर्फ ये सोचेंगे अरे मुझे तो आयुर्वेद सदन में, आयुर्वेद उसमें अपने अस्पताल में हमें क्या 5,000-3,000 मिलता है, उसके लिए इतने काम सही है करके बनाएंगे, वो गोली कभी भी कोई भी असाध्य रोगी को ठीक करने के लिए काम नहीं आएगा। यही एक आत्म है। आप गोली किसके लिए बना रहे हो, एक जो बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए, तो मेरा नाखून साफ होना चाहिए, मेरे मुंह साफ होना चाहिए, मुंह से गंध नहीं जाना चाहिए और साफ सफाई जगह पर बनाना चाहिए तो अपने आप रोगी ठीक होगा। नहीं तो आपका जो भी च्यवनप्राश अपन लोग बनाए, दवाई बनाए, पेड़ उगाए, कुछ भी कर, आप जो फल भी बना रहे हैं, मतलब फल आता है पेड़ पे वो तभी अच्छा स्वादिष्ट होगा। क्यों सभी केले एक जैसे नहीं होते, कुछ केले बहुत मीठे होते, क्योंकि हाथ का होता है, धर्म का होता है, मन का होता है, शरीर का होता है, डालते वक्त, बीज डालते वक्त हम क्या सोच के डाल रहे। ऐसे ही एक किशोरी बच्चियां होती है ना शादियां कराते, तो उन्होंने कहा महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका है देश को बनाने के लिए। यदि एक छोटी सी बच्ची का शादी हो रहा है, अरे तुम्हें दूसरे घर जाना भैया, तुम अपना ससुराल जाओ, पहले से ये कहते कहते उसको दहेज देकर या जैसे भी करके शादी करके भेजा, तो उसकी मानसिकता वहां पर हो ही रहेगी।
वही माँ यदि ये कह दे नहीं बिटिया तुम्हें उस घर में जाना है, उस घर के लोगों को अच्छा बनाना है और तुमको वहाँ खूब सेवा करना है, तो वो घर में जो बच्चा पैदा होगा वो देश के लिए अच्छा होगा। इसीलिए आप सब लोग यहाँ पर पुरुष कार्यकर्ता ज़्यादा है, समझदार भी है, तो अपने घर की जो बहुएं हैं खासकर उनको आप लोग अच्छी बातें बताइए। ये तो अभ्यास वर्ग में क्या सत्र चलना है, बोलना है, ये है, लेकिन असली मकसद हम सब लोगों का यही है। हम लोग नाना जी का हो गया, हम सब लोग हो गए, अपने बच्चे होंगे, अपने बहुएं होंगे, उनका परिवार कैसा अच्छा होगा, वो लोग कैसे खुशहाली का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तब अपने को मज़ा आएगा जीने के लिए। नहीं तो पशु भी जीता है, हम लोग भी जिएंगे और संसार भी लोग जीते हैं लेकिन व्यर्थ का जीते। दीनदयाल जी कितने कम उम्र में उनका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन आज भी उनको सब लोग पूछते हैं। एक बार मैं गौशाला गई थी हमारे चित्रकूट का, वहाँ काम थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था, तो मैं तो ऐसे ही गई थी, मैं कभी ऐसे सोच के नहीं जाती थी कि पशु भी बोलते हैं, पशु के अंदर भी संवेदना होती है। वो मेरा पहला अनुभव था और मैं गई तो हम ऐसे ही जाते जाते, मैं अपनी मस्ती में रहती थी, काम करते समय मैं कभी थकान नहीं महसूस करती थी, तो जाते जाते एक गाय वहाँ पर खड़ी थी। खूब सारे गाय हैं चित्रकूट में, देखे होंगे आप लोग, नाना जी ने हर प्रदेश के गायों का वहाँ पर, हर राज्य का वहाँ संरक्षण संवर्धन कर रहे थे। ये गाय को मैंने ऐसे ही देखा, वो थोड़ी पतली दुबली लग रही थी, मैं अपनी मस्ती में उससे पूछा, हमने क्यों खाना वाना नहीं मिल रहा तुम्हें? आप विश्वास नहीं कर सकते, वो गाय हमको सीधा मुंडी ऐसे करके ऐसे बुलाई जैसा, फिर छटकार के बोली उसको खाना नहीं मिलता। फिर हम लोगों ने पता किया, सच बात थी, उन गायों की सेवा ठीक प्रकार से हो नहीं रही थी, वो गाय सच में रोता है। तो इसीलिए अपन तो मानव है, बोल सकते हैं, लेकिन पशु है, पेड़ है, जल है, जंगल कट रहा है, वो बोल नहीं सकता। इसीलिए इन संवेदनाओं के साथ हम लोग दूसरों को नुकसान न पहुँचाए, आत्मीय भाव से हम सब लोग मिलकर एक दूसरे की बुराई करने में समय ना गंवाते हुए, हम लोग जितनी शक्ति भगवान ने दिया, नाना जी ने जितना बुद्धि दिया है, आपके माता पिता ने जो आपको शरीर दिया है और इन कर्मों से जो अपने को विवेक मिला है, सबको जोड़ते हुए हम लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा ना करें। अभ्यास वर्ग एक बहाना होता है मिलने का, जुड़ने का। मैं तो बहुत छोटी हूँ, आज भी हमें नाना जी का, सुबह जब उठती हूँ तो नाना जी के नाम से उठती हूँ, क्योंकि दीनदयाल जी को हमने नहीं देखा लेकिन नाना जी में हम लोगों ने दीनदयाल जी को देखा है। और नाना जी हम लोगों को यही एकात्म मानव दर्शन 2 महीना समझाए थे, तब भी हमें समझ में नहीं आया, तो ये 10 मिनट में मुझे भी पता है आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एकात्म अर्थ यही है, हम सब एक है, अलग अलग नहीं है। और सबका लक्ष्य भारत माता है, अपनी माता, अपने बच्चे, अपना जो कुछ है वो छोटा है, लक्ष्य अपना भारत माता है। इतने ऊंचे लक्ष्य के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना है, क्योंकि संस्थान बहुत बड़ा है और लोग इतना बड़ा संस्थान में छेद करके हवा निकालने के लिए भी कई लोग घूमते रहते हैं। इसीलिए आपस की जो भी समस्याएं हैं, कमरे के अंदर हम लोग लड़ ले, कमरे के अंदर हम लोग बात कर ले, कमरे से बाहर जिस दिन हम लोग ने बात किया, अपनी इतनी बड़ी संस्थान की जो हवा बंधी हुई है, गुब्बारा फुला हुआ है, मेरे ख्याल से 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हम छोटे बड़े कोई नहीं होते, हम सब लोग इस गुब्बारा में हवा भरने की ज़रूरत है, और हवा भरना है, और हवा भरना है। एकात्म मानव दर्शन को दिल में रखना है, समझना तो मुश्किल है, मुझे भी पता है। नाना जी को हर समय स्मरण करते हुए अपना दीनदयाल शोध संस्थान का इतना बड़ा गुब्बारा देश विदेश और हर एक गरीब आदमी के दिल में जाए। अभी हम लोग ने अपनी थारू जनजाति के बीच में रामकृष्ण जी दादा और हम लोग एक काम भी नया शुरू किया। आज सुबह से पता चला वहाँ पर एक धान के वैरायटी है दुल्हनिया, और वो दुल्हनिया पे ही हम लोग सुबह से सोच रहे। ऐसे आप लोग भी दिन भर कोई नए विषय पे सोचो, आनंद आएगा, मज़ा आएगा।
और जीवन में मज़ा नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, तो एकात्म मानव दर्शन नहीं होगा। ये मैं आज अच्छे से आप लोगों के सामने रख नहीं पाई हूँ विषय को, लेकिन जब भी हम सब लोग फिर मिलेंगे आपस में तो बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर हम सब लोग अच्छे से रहना है, रोने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। चाहे डाकू हो तो जब छोटा बच्चा नहीं डरा, तो हम सब लोग तो और बड़े हैं, किसी भी आपदा से डरने की जरूरत नहीं। जो चाहिए वो मांग के लेंगे, और जो करना है वो कर्तृत्व के साथ बहुत मेहनत करके करेंगे। आप लोग सब बड़े हैं, आप सबका बड़ों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे सहयोगी कार्यकर्ताओं का हर समय गोंडा प्रकल्प के लिए आप लोग खूब मेहनत करेंगे, नाम रोशन करेंगे, नाना जी के आंख में आंसू नहीं आने देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। भारत माता की जय। अभी इस सत्र में हमारे बीच में आदरणीय दीदी जी ने जो विषय रखा है और जो हमने सुना और समझा है, उसमें अगर कुछ लगता है कि जिसको स्पष्ट करना कि ये क्या है, कुछ जानकारी पूछना, कहना, बताना, तो थोड़ा समय है, आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। वैसे तो बिल्कुल साधारण तरीके से, सामान्य तरीके से जो हम लोगों के बीच में विषय आया, वो निश्चित रूप से हम सभी ने उसको समझा है, सुना है। लेकिन अगर उसमें और कुछ पूछना चाहते होंगे तो पूछ सकते हैं। दस मिनट का विश्राम रहेगा, उसके बाद पुनः इसी हाल में उपस्थित होना है। सब आप